कैसी लग रही है बाइक देखो भाई आगे से मेरी, क्यों उनकी हालात क्या हो गई भाई देखो R15 M की। तो भाई अब जा रहा हूँ भाई, बाइक डलने महफिल अभी। और गाइस पता है बहुत महंगी सर्विस बैठती है यार इसकी, फर्स्ट सर्विस भी काफ़ी महंगी बैठी थी और सेकंड भी बहुत हाई कॉस्ट ज़्यादा भाई। अरे बेटा ठीक हो? अरे बेटा कहने बहू बहू ठीक है तुम्हारी? हमारे भाई के ब्लॉग कुछ कुछ जो है ना, कोनी से करो या पिछवाड़े से करो, लेकिन बटन दब जाना चाहिए सब्सक्राइब का, और लाइक के बटन पर कोनी मारियो और कमेंट खोपड़ी से लिख दियो। ठीक सो हेलो माय यूट्यूब जनता, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैं जा रहा हूँ आज अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए, अपनी यामा R15 M की सेकंड सर्विस। तो भाई फर्स्ट सर्विस इसकी हो गई थी एक महीने बाद ही, और सेकंड के लिए उन्होंने बोला था कि भाई 5 महीने के अंदर करानी है और 3000 किलोमीटर प्लस, उसके बाद करा लेना। तो भाई फाइनली मेरी बाइक 2 दिन बाद हो जाएगी 5 महीने की, मतलब 2 दिन बाद 5 महीने की डिलीवरी थी वो हो जाएगी कम्प्लीट। तो बस कुछ ही देर में निकलते हैं, नीचे खड़ी मेरी बाइक, मैं आई एम रेडी, खाना वाना मैंने खा लिया है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है। तो बस कुछ ही देर में निकलते हैं अमरोहा यामा शोरूम के लिए, और नीचे खड़ी मेरी क्यों देखो दिख रही होगी आपको वो खड़ी, सुबह मैंने पॉलिश वॉलिश करके कर दी खड़ी। तो बस कुछ ही देर में निकलते हैं। तो भाई जी आ चुका अपना हेलमेट, इसमें डॉक्यूमेंट्स, ये पापा, ठीक है पापा जा रहा हूँ मैं। तो गाइज फाइनली निकलते हैं बाइक की सर्विस कराने के लिए। तो गाइज फाइनली निकलते हैं, ये रही अपनी क्यों भाई, मैंने सुबह इस पर पॉलिश करी थी और बिल्कुल क्लीन, मतलब भाई बच्चों ने कर दी पर गंदी भाई, कर देते हैं पता नहीं हाथ वाथ लगा के इस पर पूरी कर दिया डस्ट में। चलो भाई चलते हैं और मिलते हैं आपको शोरूम पे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए यामा। क्या हाल चाल है जी? अरे सर कैसे? बढ़िया। अरे बड़ी कुर्सी वर्सी बैठ जाएंगे, ठंडे में हालात खराब हो गए। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं यामा शोरूम अमरोहा, और भाई हालात इतने खराब हो गए, ठंड इतनी भयंकर लग रही है ना, और ये हमारे अफजल भाई इधर बैठे हैं। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया सर बढ़िया। भाई हालात ख़राब हो चुके हैं, तो कुछ ही देर में बहुत ज़्यादा ठंड है यार, तो कुछ ही देर में लगवाते हैं बाइक सर्विस पे और बने रहिए ब्लॉग के साथ, और हालात बेकार हो चुके हैं भयंकर वाली। तो भाई कुछ ही देर में हमारी बाइक की होगी सर्विस, और ये खड़ी है अपनी बाइक क्यों, तो कुछ ही देर में सर्विस होने वाली है। और इधर खड़ी एक FZX, बहुत सारी बाइक हैं बट जो मेरा मॉडल है वो यहाँ पर एक ही है, अभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट चल रहा है, अभी लगवाते हैं सर्विस पे। तो गाइस फाइनली हमारी बाइक लगने वाली है सर्विस पे, ये भैया लेके जा रहे हैं अंदर। तो गाइस फाइनली हमारी बाइक लगने वाली है सर्विस पे, ये भैया करेंगे सर्विस, बने रही है ब्लॉक के साथ। भाई सेकंड सर्विस हो रही है इसकी, है फर्स्ट हो चुकी है। तो भाई लग गई है सर्विस पे बाइक अपनी, इसमें होगा काम शुरू। तो भाई इस बाइक में काम स्टार्ट हो गया, ये सीट का भैया ने खोल दिया और बाकी अभी स्टार्ट हुआ है, देखते रहिए क्या क्या होता है इसमें। तो भाई हमारी बाइक की कंडीशन हो चुकी है ऐसी सर्विस पे, टैंक वैंक के सारे पैनल खोल दिए भैया ने, ये खुली पड़ी इधर, और ये देखो भाई ये चेक करो भाई कंडीशन बाइक की, पूरा टैंक वैंक भी खोल दिया भैया ने। तो भाई बाइक की टंकी उतर गई, और ये क्या है इसमें लगा हुआ? ये ABS वाला
ब्रेक। हाँ हाँ ब्रेक का सिस्टम है ये, ये चेक करो भाई, ये ABS का सिस्टम कुछ कैसी लग रही है बाइक देखो भाई आगे से मेरी, क्यों उनकी हालात क्या हो गई भाई देखो R15M की। तो गाइस हमारी बाइक की पूरी हालात हो चुकी है अलग, मतलब पहले से देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रही है, मतलब पूरी खोल दी भैया ने, अब काम शुरू हुआ है, मतलब खुल तो गई है सारी, ये चेक करो भाई। तो गाइस हमारी बाइक में हो चुका है काम इतना, अभी अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ है, कर रहे हैं बस भैया धीरे धीरे जैसा भी है। तो गाइस फाइनली हमारी बाइक की सर्विस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है कुछ ही देर में, बस एक फिल्टर और मोबिल रह गया है भैया, बाकी काम कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड सर्विस में ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है और बस यही है भैया, डल रहा है फिल्टर, चलो मोबिल फिल्टर है ना ये, जी जी हाँ, अब डलेगा मोबिल बाद में, डलेगा मोबिल। तो भाई अब जा रहा है हमारी बाइक में डलने मोबिल, तो गाइस फाइनली हमारी बाइक की हो चुकी है सर्विस फुल, और थोड़ा सा काम रह गया भैया कर रहे हैं नीचे, मैं आ गया ऊपर और देखते हैं क्या सीन है, भैया बुला रहे थे इसलिए मैं आ गया ऊपर, अब देखते हैं। बाइक की बुक कहाँ गई, ये लो भाई, इस पर एंट्री वेंट्री कराते हैं सर्विस की, फिनिश हो गया काम, उसके बाद पे वे करते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस बाइक की सर्विस की एंट्री हो चुकी है बुक में, कितने किलोमीटर चली है, थोड़ा बहुत काम रह गया हो गया होगा फिनिश, नीचे बाइक खड़ी है अपनी, ये भाई सर्विस जहाँ सर्विस होती है, और ये खड़ी है B3 यहाँ पे R15 की, इधर भैया कर रहे हैं अभी, बस होने वाला ही, फिर उसके बाद होगी बाइक हमारी बाइक होगी वॉश भी, अभी बस पार्ट्स रह गए कुछ, वो अभी भैया खींच रहे हैं। तो गाइस अब होने जा रही है मेरी बाइक वॉश, ये देखो भाई यहाँ पे होगी वॉश। तो गाइस बस लास्ट काम बचा है मेरी बाइक का, वॉश वॉश होनी है, बस वॉश कर रहे हैं भैया, उसके बाद निकलना है तुरंत घर, पे वगैरह मैंने कर दिया है। तो गाइस फाइनली मेरी बाइक की सर्विस हो चुकी है कंप्लीट, बाइक वॉश भी हो चुकी है, तो बस भाई को मैंने पे कर दिया जैसा भी, और गाइस पता है बहुत महंगी सर्विस बैठती है यार इसकी, फर्स्ट सर्विस भी काफ़ी महंगी बैठी थी और सेकंड भी बहुत हाई कॉस्ट ज़्यादा भाई। तो फाइनली सर्विस हो चुकी है, बस कुछ ही देर में निकलता हूँ मैं घर और मिलते हैं आपको घर पे, या बीच में कुछ खाऊंगा पीऊंगा, भूख लग रही है बहुत भयंकर वाली, बस बाइक उठाते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस फाइनली निकलते हैं घर, और भाई पूरा दिन हो गया मुझे यहाँ पर, मैं सुबह आया था, अब बज चुके हैं 3:30, तो बदला भाई बाइक में सर्विस होने के बाद बहुत स्मूथ चल रही है अभी, चलिए नहीं है टेस्ट देखते हैं क्या, ठीक है यही है आ जा अपना महल आ गया। तो गाइज मैं जा रहा था घर, लेकिन रास्ते में मुझे मेरा एक स्कूल फ्रेंड मिल गया नितांशु, मैं आया उसके घर आज, और बताओ क्या हाल है तेरे, बढ़िया? अरे हाल कतई जहर मलूक, नमस्ते जी, ये हमारी माता श्री, अच्छा ये आंटी, आंटी जी नमस्ते, नमस्ते आंटी जी। गाइस आज मैं अपने एक स्कूल फ्रेंड के घर पे आया हूँ, मतलब घर जा रहा था और रास्ते में मिल गया, वहाँ सूट नहीं करा लेकिन अब मिल रहे हैं भाई, जरा ये हमारे नितांश भाई, क्या हाल है, बाहर आ जाए, क्वालिटी क्वालिटी यार। तो भाई ये मेरे कक्षा 6 से शायद 7 पढ़े हम, हाँ, शिशु मंदिर में पढ़ा मेरे साथ, शिशु मंदिर में भी थे हम, हाँ शिशु मंदिर कक्षा 5 से 7 पढ़े हम इंटर तक भाई, 6-7 साल की हमारी फ्रेंडशिप थी, तो ये रास्ते में मिल गया था, इसके गांव से निकल के जा रहा था मैं घर जी, तो भाई आज इसके घर आ चुके हैं, और ये भी एक भैया यूट्यूबर है तगड़ा वाला, यूट्यूबर है लेकिन हम कम है, ये भैया हमारा भाई है सतेंद्र, खतरनाक वाला भाई साहब, इसका यूट्यूब चैनल है किस नाम से तेरा, मेरा है द पागल 004, पागलपंती कर रहा है भाई, मजे काटे इसके ब्लॉग में ना, मजा आता है ब्लॉगिंग करता है जैसा कि। तो भाई जो भाई इस वीडियो को जितने मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, द पागल 004 है ना, सब्सक्राइब कर लो भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। देखो देखो मेरा भी और सत्येंद्र भाई का दोनों का चैनल, तहे दिल से किडनी से फेफड़ों से सारों से सब्सक्राइब कर लियो, देखो भाई इसके ब्लॉग में ऐसे ही मिलता है। तो भाई इसके घर आके आज मतलब ठीक ठाक लगा, मतलब बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, बहुत लंबे टाइम बाद, मतलब जैसे 12th पास आउट करा है ना, एक दो बार मिले हैं, लेकिन आज मुलाकात हो रही है इसके घर पे, अब तुम मेरे घर पे आई हो, हाँ वो ये देखो, मम्मी मम्मी बहुत बड़ी फैन है यार तुम्हारी, तुम्हें पता है मुझे, हाँ ये यू बाइक ले यार, हाँ 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 बता रहा हूँ, गाइस देखो पहचान लिया आंटी जी ने मुझे, मतलब पहले नहीं पहचानी थी लेकिन पहचान दिखाई मम्मी को, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये ली थी आंटी, मतलब ये इसकी है जो वीडियो वीडियो बननी, इसकी कमाई की है सारा कुछ, इसी का है, पैसे मिलते होंगे, हाँ पैसे मिलते हैं।
तो भाई देख रहे हो आंटी जी मुझे जानती है, मतलब फैन तो भाई अभी मिलते हैं कुछ ही देर में। तो गाइस फाइनली हमने करने दोनों भाइयों ने बातें बहुत सारी बहुत कर ली भैया स्कूल से रिलेटेड और जैसा भी है। अब निकलते हैं भाई घर, क्योंकि भाई लेट हो रहा हूँ मैं, टाइम हो गया। रुक जा पब्लिक से पूछूं मैं कुछ, 4:40। हाँ पब्लिक से पूछूं। अरे बेटा ठीक हो? अरे बेटा कहने बहू बहू ठीक है तुम्हारी? भाई मैं आवाज निकाल लेता हूँ 3-4 तरह की। मेरे एक वीडियो आएगी मेरी ऐसी कुछ जैसे बीबी के बहन वाला वीडियो ना, उस टाइप की वीडियो आएगी। हाँ एक वीडियो तो बनाई है, कुछ थंबनेल देगा मैं, पर देखी नहीं हो। हाँ ऐसे करके बाल को ठीक हो भाई। देखो ये मतलब फुल कॉमेडी है पहले से ही, बचपन से जब से स्कूल टाइम में था जैसा भी है। तो बस कुछ ही देर में निकलते हैं घर, इससे मिलना था, इसके घर भी आ गया आज फर्स्ट टाइम जैसा भी था, तो अब निकलते हैं घर। तो भैया देखो हमारे भाई के ब्लॉग कुछ जो है ना, कोनी से करो या पिछवाड़े से करो, लेकिन बटन दब जाना चाहिए सब्सक्राइब का, और लाइक के बटन पर कोनी मारियो और कमेंट खोपड़ी से लिख दियो। ठीक है भाई, ठीक और हो जाना चाहिए। लो बाय बाय गाइस, फाइनली चलते हैं। ठीक है नितांश भाई, चलो भाई मिलते हैं फिर कभी, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू संस्कृति। हाँ भाई तो भाई अब मिलूंगा मैं आपको घर, क्योंकि भाई क्या बाल तो मेरे आंटी जी अभी तो और बड़े करने हैं, बाल छोटे हैं अभी, अभी आधे हुए हैं ये मानो। जैसा लुक चाहिए ना मुझे अभी उसके लायक हुए नहीं है। भाई देखो आंटी जी कर रही हैं बालों पे कमेंट। ये बॉस मेरी बॉडी होती मैं ऐसी दिखा के पटा लिया करता। बॉडी तो मैं बनाऊंगा यार। चल ठीक है फिर, चल फिर चल ले। चलो भाई मिलते हैं। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं घर, और भाई 5:20 हो गए। मम्मी नमस्ते। अब नमस्ते भाई, अब जाके पहुंचे घर पे। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, और भाई सुबह से हो गई शाम, अब मैं जा रहा हूं घर, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, चाय वाय पीते हैं, भूख लग रही है भयंकर वाली। तो भाई आ चुके अपनी चाय और पीते हैं भाई, इसके बाद थोड़ा देर बाद मिलते हैं। कैमरे की मेमोरी यार बहुत जल्दी फुल हो जाती है। तो गाइज मैं आ गया अपने रूम पे भी, और गाइज नाइट हो चुकी है। अब भाई मेरी वहाँ से आने के बाद सर्विस कराने के बाद हो गई तबीयत ख़राब, पता नहीं क्यों सर में दर्द हो गया। मैंने जैसे ही आने के बाद चाय पी ना, तुरंत खाली पेट था, और भाई बिस्कुट वगैरह खाया, तो इसके बाद पता नहीं क्या हो गया, सर में बहुत भयंकर दर्द हुआ था, गैस बन गया था। तो अब मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये ब्लॉग करते हैं पेंट, क्योंकि भाई ब्लॉग एडिट करना और बिल्कुल भी शूट नहीं हो रहा भाई, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं है, मतलब दर्द हो रहा बहुत हेड सर में, पता नहीं क्यों। तो बस ब्लॉग करते हैं पेंट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।